हूँ चुप नहीं करना, क्यों करके बड़े चिर बाद श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की बहुत तकड़ी जित हुई है। तो संगरूर के इलेक्शन दे विच असी ऑल इंडिया पार्टीज कांग्रेस बीजेपी आरएसएस आम पार्टी ते बादल दरिया दा लख तोड़ के रखता है। ये हुण ये सारे वर्ल्ड दे विच रिपरकशंस होणगे, इंडिया दी पॉलिटिक्स दे विच भी होणगे कि एक छोटा जिहा बंदा जिहनूं प्रेस कहिंदी सी तैनूं तां वोट ही नहीं कोई पाउंदा ते उहने एडे वड्डे बंदे हराते। नहीं जी तुसीं कहिंदे सी तेतों तां हुंदा ही नहीं, मेरा मखौल करदे सीगे। मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। वजीर इन्ना नहीं पता कौन जित रहा है, फिर उन्होंने खजाने के उत्ते नहीं बैठन देना चाहिए। जिवें सप बैठ लगा खजाने के उत्ते चीमा साहब को आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उन्होंने भी हल्के बहुत बुरी तरह साड़ी पार्टी की जित हुई है। उनको आपने हराया तकरीबन, तो क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी जो तीन महीने पहले आई थी? नहीं जी, साड़ी पार्टी के वर्करां ने ते जिहड़ी सीट सानू संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने दित्ती है, अपना अमन पसंद तरीके दे नाल संघर्ष दे विच रहना, ये उहदी जित होई है। ते जिहड़े भाई दीप सिंह सिद्धू ने ते भाई मूसेवाल ने अपनियां शहादतां देतियां उहदे नाल सिख कौम नूं बहुत ज़्यादा दुनिया दे विच फायदा हो गया है। ते हुण सिख कौम दे नाल इंडिया दी हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती जिवें मुसलमानां दीआं बस्तियां ढाई जांदी है, कश्मीर दे विच जुल्म करी जांदी है, 7-8 कश्मीरी फौज मार दिंदी है, कोई इनक्वायरी नहीं हुंदी। ते जिहड़े अपने छत्तीसगढ़ दे विच ते बिहार दे विच झारखंड च है जिहड़े कबीले लोग है आदिवासी, उन्हां नूं माओवादी कह के ते नक्सलाइट कह के हुकूमत सिद्धी गोली मारदी है। हुण जे जिहड़े बीबी जी कबीलियां दे विचों प्रेजिडेंट दे लई खड़े है, उन्हां नूं मैं जरूर मिलूंगा कि एक कबीलिया की जिहड़ी मौत तुहाडी सरकार जानबुझ के लेके आ रही है ये खत्म करो, ते इन्हां दे नाल गलबात शुरू करो कि इन्हां दी दुख तकलीफ सारी खत्म हो जाए। सर, पांच मिनट में क्या मुद्दा उठाएंगे आप? पहला मुद्दा और कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? वो तो देखेंगे उत्थे जाके कर देते हैं। मां साहब कितना कितने मांगते हैं संगरूर से आते हैं आना हर बार हर आते हैं प्रायोरिटी क्या होगी? सर प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी कि जेड़ा साडा संगरूर है इहदी माली हालत बहुत खराब हो गई है, जिहड़े साडे किसान है वह करजाई हो गए ते नसलकुशियां कर रहे हैं, जिहड़े साडे मजदूर ने उन्हां दे विच भी गरीबी ते भुखमरी आ गई है, ते जिहड़े साडे व्यापारी है उन्हां दा भी ज़रिया व्यापार दे नाल कोई रहा नहीं, क्यों करके सारी चीज़ दिल्ली तो लेके आउंदे है। पर आपां कोशिश करांगे कि पाकिस्तान दा जिहड़ा बॉर्डर वाघे दे विच हैगा है उस नूं खलाईए, क्यों करके पाकिस्तान दे विच कणक दी कमी है ते अपने कोले भंडार बहुत ज़्यादा है, ते साडे किसान ते ट्रांसपोर्टर ते व्यापारी अपनियां जिनसां सारे पासे बेचण,
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੈਲ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ 9000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁੱਤਵਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ 900 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਫਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਡੀਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਹਿਰਾ ਗੰਗਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ MP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਲਹਿਰਾ ਗੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੱਤ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਛਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ।